ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिए अपने बयान में कहा कि भारत के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर काम हुआ हो। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों का कोई भविष्य है। सीबीआई रोज पढ़ते होगे आप, देखते हो नहीं देखते टीवी में? ईडी का ये नोटिस आ गया केजरीवाल पे, सीबीआई का ये नोटिस आ गया केजरीवाल पे, फलाना दिल्ली पुलिस पर। मेरे को तो समझ ही नहीं आता, जैसे पूरे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं। सारी एजेंसी, सारी पुलिस, सारी सब मेरे पीछे छोड़ रखी है इन्होंने, जैसे पूरे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं हूं। लेकिन गीता में लिखा है पृथ्वी पे भगवान ने हर आदमी को कुछ ना कुछ उद्देश्य से भेजा है, हर आदमी को, हर बच्चे को, हर इंसान को। उसका जब पृथ्वी पे पैदा होता है तो उसकी जिंदगी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। भगवान ने उनको भेजा है पृथ्वी पे, उनका उद्देश्य है झूठे सच्चे केस बना के सबको जेल में डालना, नोटिस जारी करना, उनको इसीलिए भेजा है। भगवान ने मेरे को पृथ्वी पे भेजा आपके स्कूल बनाने के लिए, आपकी बिजली मुफ्त करने के लिए, आपका पानी का इंतजाम करने के लिए, आपके अस्पताल बनाने के लिए। 75 साल के भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब शिक्षा के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर काम किया गया हो। आज इतनी भरी धूप के अंदर, पहले तो मैं माफी मांगता हूं, मैं 2 घंटे लेट हो गया, मैं किसी कार्यक्रम में फंस गया था। आप लोग इतनी देर से इंतजार करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक स्कूल के शिलान्यास रखने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कभी नहीं होते थे पहले। लोगों को चिंता नहीं थी, चिंता तो थी, अपने बच्चों की चिंता तो थी, उम्मीद नहीं थी लोगों को कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में कुछ भविष्य मिलेगा। आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक उम्मीद से इकट्ठे हुए हैं कि जो स्कूल बनने वाला है, हमारा भी बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा भी बच्चा इंजीनियर बनेगा। अब गरीबों के बच्चों का जो सपने देखते हैं वो सारे सपने पूरे होंगे। ये जो इतने बड़े स्तर पे स्कूल बन रहे हैं, मुझे लगता है ये 1950 में बन जाना चाहिए था। ये काम जो आज हम कर रहे हैं 75 साल के बाद, ये काम अगर 1950 में हो गया होता, 1951 में हो गया होता, 1960 में हो गया जब हमारा देश आजाद हुआ था, इतने सरकारी स्कूल अगर शानदार बन गए होते, आज हमारे देश के अंदर एक भी गरीब। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।